हे एवरी वन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं 21st of February 2023 का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे एवेंजर बैच जो कि क्लैट 2024 के लिए चल रहा है, क्लैट 2025 के लिए विजेता बैच चल रहा है, इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं। नए बैचेस जो हैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारे कोर्सेज रहते हैं एंड विद बेस्ट फैसिलिटीज़। तो पूरी डिटेल के लिए, डेमो क्लास के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक आर्टिकल जो है ना वो हरी न्यूज़पेपर में है और इसको डिस्कस करना बनता भी है कि रिपोर्ट फाइंड्स 3% ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन स्टेट फेस्ड वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज़। तो ये मैं अभी यहाँ पे क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूँ आपको, अभी कल परसों बहुत न्यूज़ में ये चल रहा था कि गुरुग्राम के अंदर ना एक कपल है, तो गुरुग्राम के अंदर इस कपल ने जो है ना एक छोटी सी बच्ची को जो है वो एम्प्लॉय कर रखा था। और यहाँ तक जब वो छोटी सी बच्ची की कंडीशन देखी गई, वो सामने आई, तब यहाँ पता पड़ा कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ हुआ है। फिजिकल अब्यूज़ मतलब उसको जलाने तक की कोशिश करी गई है, खाने पीने का सही उसको सामग्री प्रोवाइड नहीं करी जा रही थी, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। तो ये मामला सामने आया। ऐसे ही कुछ दिन पहले ना एक IAS की वाइफ का भी मामला सामने आया था कि IAS की वाइफ जो डोमेस्टिक हाउस हेल्प के लिए जो बच्ची उनके साथ रहती थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस करती थी, और उसकी कंप्लेन तो उनके खुद के बच्चे ने करी थी। तो ये वाली चीज़ थी जो हमने इस वजह से ये न्यूज़ में है। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, डोमेस्टिक वर्कर्स जो हम लोग समझते हैं या पढ़ते हैं, इसमें बेसिकली तीन कैटेगरी होती है। एक होता है पार्ट टाइम वर्कर्स। पार्ट टाइम वर्कर्स कौन से होते हैं? तो ये वर्क्स मोर देन वन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ डेली वर्किंग आवर्स और परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर ईच ऑफ द मल्टीपल एम्प्लॉयर्स एवरी डे। जैसे कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे घर में जो काम वाली दीदी आती हैं, ठीक है, जो मेरे घर में खाना बनाती हैं, तो वो सिर्फ मेरे यहाँ नहीं कर रही हैं, वो औरों के घर में भी कर रही हैं। फुल टाइम वर्कर क्या होता है? फुल टाइम मतलब कि सुबह 9 से 5 आपके घर आ रहे हैं, किसी और के यहाँ काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो फुल टाइम वर्कर है। लिव इन वर्कर मतलब जो आजकल आप बड़े बड़े सिटीज़ में देखते हो कि लोगों के घर के बाहर एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर होता है, तो वो सर्वेंट को अपने साथ ही रखते हैं कि 24 घंटे वो रहे, तो ये लिव इन वर्कर वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो डोमेस्टिक वर्कर्स को इन बेसिकली तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। अब ये तो वाली न्यूज़ थी जो हो रहा था। अगला आर्टिकल देखो, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, बहुत टेक्निकल आर्टिकल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। कल भी ये न्यूज़ में आया था और आज भी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में कवर है, द हिंदू में कल ये पूरा कवर था। अगर आप लाइव लॉ और बार एंड बेंच का देखें तो ये आज का अपडेट है, प्लस इंडियन एक्सप्रेस में भी आज इसमें बड़ी न्यूज़ आई है। तो न्यूज़ क्या है, देखो हुआ क्या है कि लक्षद्वीप के MP हैं मोहम्मद फैज़ल, इनको ना लक्षद्वीप की कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था। कन्विक्ट किस चीज़ के लिए किया था? इनको किया गया था अटेम्प्ट टू मर्डर। किस में किया गया था गाइस? अटेम्प्ट टू मर्डर में। अब क्या हुआ, जब इनको कन्विक्ट कर दिया गया, तो आपको बेसिक से नियम पता है कि जब भी कोई कन्विक्ट हो जाता है MP या फिर MLA, तो हमारे देश में एक नियम है कि भाई उसको जो है ना अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सीट छोड़नी क्या पड़ेगी? ही विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। आपने लिली थॉमस केस भी सुना होगा और 2013 का जो वर्डिक्ट आया था वो भी इसी से, इस मुद्दे से ही रिलेटेड था। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं इस मामले में क्या हुआ। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप समझ लेंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा कन्विक्ट हो जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई तब किया जाएगा जब ये जो कन्विक्शन है ना ये 2 ईयर या 2 ईयर से ज़्यादा की हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने कोई क्राइम किया और आपको उसके लिए कन्विक्ट किया जा रहा है और आप एक MP हैं, MLA हैं, और 2 या 2 साल से ज़्यादा के लिए आप कन्विक्ट हो गए हैं, तब फिर आपको जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अब अटेम्प्ट टू मर्डर में आई थिंक इनको 10 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट था, ऐसा ही कुछ था, मुझे अभी एग्जैक्ट इम्प्रिजमेंट कितना दिया था ये नहीं पता है। तो इसलिए इनको क्या कर दिया था? डिस्क्वालीफाई कर दिया था, 2+ था, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई लोकसभा ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब सुनिएगा कहानी, कहानी ये है कि भाई इन्होंने जो है ना इसके अगेंस्ट में अपील करी हाई कोर्ट में, और इनकी जो हाई कोर्ट है वो है केरला हाई कोर्ट। अब आप ध्यान से सुनिएगा, केरला हाई कोर्ट ने ना इनका जो कन्विक्शन था अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर, इसको खारिज करते हुए रीजंस क्या दिए वो सुनिएगा। केरला हाई कोर्ट ने रीजन दिया कि भाई एक MP को अगर आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, सॉरी कन्विक्ट कर देंगे, तो इसकी वजह से फिर से री इलेक्शन होंगे। अब री इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन का फर्जी इतना पैसा खर्च होगा, और क्योंकि अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है, अगले इलेक्शन इनके शायद आई थिंक जल्दी आने वाले हैं,
तो उन्होंने कहा कि भाई फर्जी इलेक्शन कमीशन के इतना पैसा खर्च करने की क्या मतलब है, दूसरा कि लक्षद्वीप के लोगों को जो है वो इतने दिन बिना किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रहना पड़ेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो इस तर्ज पे इनका कन्विक्शन जो है ना उसको स्टे लगा दिया गया, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, सस्पेंड कर दिया गया इनकी कन्विक्शन को, नॉट स्टे, सस्पेंड कर दिया गया। अब आप सुनिएगा मामला क्या हुआ। मामला यहाँ पे ये हुआ कि भाई ये तो ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड हो गए, जैसे ही ये 2 साल से ज़्यादा कन्विक्ट हुए इनको तो हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो अब तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे ही नहीं है, है ना। अब अगर ये कन्विक्शन भी हाईकोर्ट ने हटा दिया तो उससे अंतर क्या आया, उससे अंतर ये आया, देखो फिलहाल अभी नियम क्या है, जैसे कि मान लो कोई बंदा है उसको 5 साल की सजा होती है, तो जब तक वो 5 साल के लिए जेल में है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, प्लस 6 ईयर्स जेल से बाहर आने के बाद, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूँ, जैसे चौटाला जी का एग्जांपल ले लो, तो मान लो कि वो 5 साल के लिए जेल में है, तो 5 साल जब तक वो जेल में ही कैन नॉट कंटेस्ट, और आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द जेल 6 ईयर्स के लिए ही कैन नॉट कंटेस्ट। तो ये यहाँ पे पूरा मसला है कि भाई अब आपने कन्विक्शन पे तो स्टे लगाया, सस्पेंड कर दिया, तो ठीक है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन अब उनकी सीट तो छीन चुकी है ना, क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो भाई जिस चीज़ के लिए केरला हाईकोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि री इलेक्शन नहीं होंगे, पैसे बचेंगे वगैरह वगैरह, वो तो अभी भी हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई इनको तो हटा दिया गया है, अब वहाँ पे लक्षद्वीप का कोई भी एमपी नहीं है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लक्षद्वीप को, तो अब वहाँ पे री इलेक्शन होने हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इनका सीट जो डिस्क्वालीफाई कर दी गई है इनको वापस रीइंस्टेट कर दें, ये तो कहीं नियम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये पूरा मसला है कि जिस चीज़ के लिए पहले तो केरला हाईकोर्ट ने किया, क्या ये सही है? पहली चीज़ तो यही है कि भाई एमपी हैं तो क्या हुआ, अगर इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है तो भाई फिर इनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि आपने जिस चीज़ के लिए किया वो तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, इनकी तो सीट भी जा चुकी है। तो ये वजह से ये जो है ना बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा हो चुका है, और अब इस पे चीज़ें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी रिसेंट इसमें अपडेट ये कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे हाई कोर्ट ऑर्डर सस्पेंडिंग लक्षद्वीप एमपी मोहम्मद फैजल्स कन्विक्शन, ठीक है। तो ये अभी इसमें रिसेंट अपडेट है। तो अभी हमने ये जाना, ये ही पूरा मामला था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इनका नाम पता होना चाहिए। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लिली थॉमस वर्डिक्ट जो 2013 का था वो बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा था। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था ये जरूर है। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है ना वो UAPA से रिलेटेड है, अनलॉफुल चलो एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। बताओ भाई UAPA की फुल फॉर्म बता दो। ऐसा ही एक लॉ जो है कुछ दिन पहले हटा भी था, वो कहाँ पे हटा था ये भी बता दो अगर आपको पता हो तो। नहीं पता है तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, और जब भी कोई एक्ट पढ़ो तो हमेशा आपको उसका ईयर पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एक्ट कब आया था। तो UAPA का जो एक्ट है ना, इसका UAPA 1967 ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो, जैसे कि मान लो आप लोकपाल एक्ट पढ़ रहे हो तो आप ये भी ध्यान रखो किस ईयर में आया था। आप RTI एक्ट पढ़ रहे हो तो किस ईयर में आया था, अगर ये नहीं पता होगा ना तो फिर आपको उस एक्ट के बारे में पूरी दुनिया की सारी नॉलेज हो तो बेकार है। क्योंकि जब आप उसके बारे में लिखोगे या MCQ आएगा, और मान लो कि RTI एक्ट के ऊपर भी 4 ईयर दे दिए, RTI एक्ट 2001, RTI एक्ट 2002, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपको नहीं पता है तो आप क्या लिख के आओगे। तो वो वाली चीज़ अभी ये न्यूज़ में क्यों है, पहले हम ये देख लेते हैं। 2-3 कारण है जिसकी वजह से न्यूज़ में है। देखो अभी क्या है, बहुत सारे मैटर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में UAPA से रिलेटेड पेंडिंग पड़े हैं। अभी एक बंदे हैं, इनका नाम है सिद्दीकी कपान, ये एक जर्नलिस्ट थे उत्तर प्रदेश के हाथरस में, इनको UAPA के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। ऐसे ही एक बंदे थे 2021 के अंदर, मोहम्मद मनंदार, एक यंग कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट थे, तो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि ये फोटोज़ ले रहे थे कश्मीरीज की, जो वो जिस तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। तो भाई इन दोनों का एक एग्जांपल है। अब जैसे सिद्दीकी कपान है ना, ये जब से बाहर आए, अब इनको रिहा कर दिया गया है कुछ दिन पहले, तो एक चैनल है न्यूज़ लॉन्ड्री, जो कि जो मतलब थोड़ा सा उनके जो थॉट प्रोसेस हैं वो अभी जो गवर्नमेंट है उनसे अलाइन नहीं करते हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री करके जो ये यूट्यूब चैनल है या फिर इनका जो प्लेटफॉर्म है, उसमें सिद्दीकी कपान जो है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ डाल रहे हैं, और इसी के वजह से जो है अभी UAPA काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में है, क्योंकि UAPA के अंदर ये गए थे, और एक ये भी मामला है, और दूसरी चीज़ अभी इस पर एडिटोरियल आया था कल द हिंदू के अंदर। तो UAPA पूरा डिटेल में अब मैं डिस्कस यहाँ से कर रहा हूँ, नोट्स में डाल देना, प्लस ये वाला जो मैटर हमने डिस्कस किया है ना ये जरूर डाल देना रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच।
एंड फ्रॉम 28th हम लोग नए फॉर्मेट से हमारे स्टूडियो से द हिंदू लेंगे एंड लाइव सेशंस लेंगे. टाइमिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बाकी तब तक इसी फॉर्मेट में चलेगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. UAPA क्यों ये न्यूज़ में है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं. देखिए, UAPA से पहले भारत में दो एक्ट थे जिसमें से एक था टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और दूसरा था पोटा जिसको प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी बोला जाता था. टाडा जो है 1995 में हटा दिया गया था, वहीं पोटा जो है POTA जो है वो 2004 में हटा दिया गया था. इसके बाद UAPA जो है, अगर आप UAPA का इतिहास देखेंगे तो UAPA 1961 में पहली बार एग्जिस्टेंस में आया था ड्यूरिंग इंदिरा गांधी जी के रूल में. और उसके बाद UAPA जो उस समय था उसका बेसिकली जो मतलब था ना, वो आपका सिर्फ एक लिमिटेड वे में था. 2004 में UAPA के मीनिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया और UAPA के अंडर में टेररिज्म एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर लिया गया. और डिटेल में अभी जानेंगे, उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि UAPA जो है वो तीन बार अमेंड हुआ है, 2004, 2008, 2013 एंड इसमें 2019 वाला नहीं है, वो भी अमेंड हुआ था. सबसे पहले देखते हैं UAPA की फुल फॉर्म क्या है. तो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. ये जो एक्ट है बेसिकली ये सारी अनलॉफुल एक्टिविटीज जो भारत के अंदर एसोसिएटेड है उससे डील करता है. 2004 से पहले ये अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेशन एंड सीजन ऑफ टेरिटरी आता था, मतलब विड्रॉल एंड सरेंडर ऑफ द टेरिटरी. बट 2004 में अमेंडमेंट आया जिसके बाद इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी इंक्लूड किया गया कि कोई भी ऐसी चीज जो टेररिस्ट एक्ट को भारत में करती है या उस तरफ मोटिवेट करती है तो उसको भी UAPA के अंदर डाला जा सकता है. उन ऑफेंसेस को भी UAPA के अंदर डाला जा सकता है. UAPA के अंदर कोई भी ऑफेंस को डालने का पुलिस या फिर जो आप कह सकते हो कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं NIA जो इसकी जांच करती है, उनको फायदा क्या होता है, तो आपको 180 दिन तक बिना चार्जशीट फाइल किए हुए उस बंदे को अपने पास रखने का अपॉर्चुनिटी मिलती है. आप उसको डिटेन कर सकते हो, आप उससे पूछताछ कर सकते हो और विदाउट चार्जशीट फाइल किए आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में पॉसिबल नहीं है. दूसरी चीज, ये यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी ऐसी चीज लगे जो लगे कि अनलॉफुल है भारत के हिसाब से, तो वो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये चीज भी अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर आएगा. UAPA के अंदर जो हाईएस्ट पनिशमेंट है वो है डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजमेंट. तो यहाँ पे दोनों ही चीज दी जा सकती है. इस देखिए 2019 में कुछ अमेंडमेंट आए थे इसके अंदर. वो क्या आए थे, उसमें मेजर अमेंडमेंट जो था ना, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा. पहले UAPA के अंदर ना गाइस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया जा सकता था कि भैया ये फला ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रही है, टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, और इस फला ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंदर डाल के बैन कर दिया जाए या कुछ इस तरीके की चीजें उसके अगेंस्ट में ऑर्डर इशू कर दिए जाए. फिर होता क्या था, इसको आप ऐसे देख लीजिए कि मान लीजिए कोई एक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कोई ए नाम का बंदा था. एक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया, बट ये जो ए नाम का बंदा है ये बाहर निकल के इसने वाई नाम की ऑर्गेनाइजेशन बना ली. अब भैया बंदा तो वही है ना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन दूसरे नाम से रन करने लगी, तो ये समस्या आ रही थी. जिसके चलते हुए 2019 के अमेंडमेंट में ये कहा गया कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के अलावा इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट डेजिनेट किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू. इसके अलावा और भी कुछ इसमें चेंजेस किए गए थे. वो ये किए गए थे कि जो मतलब पहले होता था कि NIA के अंदर जो है ना एक स्पेसिफिक पोजीशन के लोग ही जांच कर सकते थे, बट फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ओपन कर दिया गया जिससे कि लोगों की शॉर्टेज ना हो NIA को जांच के लिए. जो दोज थिंग्स आर दैट मच नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है ना वो ये है जो मैंने आपको बताया है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन को करते थे, अब टेररिस्ट को, इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी अलाउ कर दिया गया है 2019 अमेंडमेंट के बाद. इसके बाद देखो, इस लॉ का ना काफी ज्यादा आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म होता है. क्रिटिसिज्म क्यों होता है, सबसे पहले कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म जो है ना बहुत वेग है, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट कर रखी है सरकार ने अपने हिसाब से. आप कभी देखते हो UAPA JNU के स्टूडेंट्स पे लगता है, कभी आप देखते हो कहीं और लग जाता है. तो इसमें जो टेररिज्म को प्रमोशन जो है ना, जैसे एक बात है टेररिज्म को प्रमोट करने की बात करी जा रही है कि अगर करोगे तो UAPA जो है आप पे लगेगा, तो ये टेररिज्म की जो डेफिनेशन है ना बहुत वेग है. ऐसा जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपने फिक्स नहीं बता रखा है. आप इसमें कभी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर लेते हो, जर्नलिस्ट को इसके अंदर अरेस्ट कर लेते हो, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को भी आप कभी कभी UAPA लगा के वहाँ पे लोगों को अरेस्ट करते हो. तो ये सब क्रिटिसिज्म इसका लोग करते हैं. दूसरा क्या है कि भैया गवर्नमेंट को ये पावर मिली हुई किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर सकता है. अब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो, क्या पता वो अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रही हो, किसी गवर्नमेंट को उससे दिक्कत हो तो उसको पूरा का पूरा बैन कर दिया जाए.
फिर 180 दिन तक आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको विदाउट चार्जशीट फाइल किए जो है अरेस्ट करा जा सकता है, और पुलिस कस्टडी जो है वो इसके बाद भी बढ़ सकती है, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिला। तो डिटेंशन भी हो सकता है, पुलिस कस्टडी 30 दिन की मिल सकती है, समझ में आई आपको बात। इसके अलावा बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? एंटिसिपेटरी बेल बेसिकली गाइस एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हमें देखने को ये मिलता है कि जब आप अरेस्ट होने वाले हो, जैसे मुझे पता है कि कल मेरे अगेंस्ट में केस फाइल हो सकता है और मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। आप इसको आर्यन खान के मामले से समझ लो कि आर्यन खान को पता था कि वो कल अरेस्ट हो सकते हैं, तो वो आज ही जाके कोर्ट में बेल ले आए, इसे एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं। मतलब एंटिसिपेट करके पहले ही बेल लेना इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी बेल। और बेल क्या होती है? जब आप अरेस्ट होने के बाद बेल लेते हो। तो यहाँ पे बेल एंटिसिपेटरी बेल तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है जब यूएपीए लग जाता है किसी भी इंसान के ऊपर। और यहाँ पे ये कि आप स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है गवर्नमेंट, मतलब क्लोज डोर हियरिंग कर सकती है, एविडेंस उसमें मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, क्योंकि जब सामने आ ही नहीं रही हैं चीज़ें तो पता ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं इसे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। कि एक जो सबसे मेजर क्रिटिसिज्म इसका आपको देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि अलग अलग सरकारें इसको अपने अपने फायदे के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ करती हैं कभी कभी, तो ये भी देखने को मिलता है। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज हमारा आज का सेशन। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, हमने पहले देखा टाडा एक्ट था, पोटा एक्ट था, उसको बदल दिया गया, फिर हमने इस एक्ट के बारे में देखा, फिर हमने इसकी कुछ क्रिटिसिज्म देखे। और फिर से मैं बोलूँगा, अगर आप हमारे कोर्सेज में इनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करिए, जाके कोर्सेज को परचेज़ करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए सेशन के पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।